तो हर अमावस्या के दिन एक लीटर पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए। एक लीटर पानी में मान के चलिए कम से कम 50 से 100 ग्राम नमक, और घर में पोछा लगाइए। नमक युक्त जल से पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। तो हर पूर्णिमा हर अमावस्या को जरूर कर लेना चाहिए। छोटा सा प्रयोग है, बहुत लाभ होता है। ऐसे ही एक प्रयोग और भी है, जिसके घर में बहुत परेशानी हो ना, तो मिट्टी के बर्तन में घर के पूर्व दिशा में नमक भर के रख दीजिए, तो नमक 2-4 दिन में अपने आप गल जाए। जब गल जाए उसको बहते हुए जल में डाल दो, ऐसे फिर भर के रखो। कुछ दिन ऐसा करें तो घर की अनेक समस्याओं का समाधान, अनेक समस्याएँ चली जाती हैं। घर में बहुत समस्या हो घर की, तो हर शनिवार के दिन घर में जितने कमरे हो, कमरे जितने कच्छ बने हों, सेना में लगभग 50 से 100 ग्राम की कोटली हर घर में रख दीजिए फर्श पर नमक। और सुबह रविवार के दिन बिना किसी से बात किए उसे उठाइए और बहते हुए जल में डाल दीजिए। छोटे छोटे टोटके हैं लेकिन बड़े काम करते हैं घर के। कई बार आप परेशान रहते हैं, कहीं पास दौड़ते रहते हैं, घर में बड़ी परेशानी, घर में कलह किसी के बहुत होते हैं, घर में बच्चे 4-5, आपको लगता है कि बच्चे ठीक नहीं चल रहे, हमारे रहते ये अलग होने की सोच रहे, तो अपने सिरहाने जब आप सोए तो एक लोटा जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल के उसको ढक दे और प्रार्थना करके सो जाए। सुबह उस जल को लेके जाइए पीपल के पेड़ के पास, और लगभग 7 या तो 11 आपके पास धूप बत्ती हो जिसमें सेंट छिड़क दीजिए इत्र, और फिर वो जल पीपल को दे के वो इत्र युक्त धूप बत्ती भगवान पीपल देवता को जला के प्रणाम कीजिए कि प्रभु आप सब में बसते हैं, मेरे घर के मेरे बच्चे बहुओं में भी आपका वास है, हे गोविंद आप जो कह सकते हो आप उनकी मति गति को ठीक रखें, ताकि बच्चे बहुएँ हमारे कहने में चले। जब तक हम हैं तब तक तो मेरे सामने मेरे द्वारा जो जन्मे एक रहें, ऐसी प्रार्थना करें तो घर का डिवाइडेशन उठ जाता है। ओम नमो। अभी मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, घर में आपके है 18 प्रकार की बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। घर